हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 21 जून 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। एक्चुअली आज तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो जैसे लेक्चर बनाने की हिम्मत भी नहीं थी, बट फिर भी लेक्चर हम जैसे तैसे आज कंप्लीट है वो करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल या न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आपको पता है कि 21 जून है वो इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाया जाता है, तो आज योगा दिवस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। योगा है वो देखो हेल्थ के लिए और माइंड को एक तरीके से कंसंट्रेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो रहता है, तो आप भी डेली योगा है वो कीजिए। अब हम चलते हैं पहला आर्टिकल जो मैंने वो जो आज का पहला आर्टिकल है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर, FSDC। सबसे पहला फैक्ट तो ये ध्यान रखना है कि ये एक स्टेचुरी बॉडी नहीं है। ये आपको फैक्ट ध्यान UPSC यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है। कंटेक्स्ट वैसे ये आया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी अभी मीटिंग हुई है और उसके हेड कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके हेड होते हैं। तो ये हो गया कंटेक्स्ट। अब देखो इसका काम क्या है, थोड़ा नाम से आपको समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए बेसिकली ये काम है वो करती है। इसमें होता क्या है कि हमारे देश में जो भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रेगुलेटर हैं, जैसे कि आपको पता है SEBI है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी सेक्टर को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर को IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो करती है, PFRDA है वो पेंशन डिपार्टमेंट या पेंशन को रेगुलेट करता है, इसी के साथ ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट है वो भी मतलब रेगुलेट कर रहा है। तो ये जो रेगुलेटर है ना, इन सब के हेड हैं वो इसके मेंबर होते हैं, मतलब कि हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो अदर मार्केट्स हो गए, जैसे कि कैपिटल मार्केट हो गया, मॉनिटरी सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इनके हेड हैं वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे देश में स्टेबिलिटी है वो रहनी है, मतलब अस्थिरता नहीं है, इसके लिए बेसिकली स्टेप उठाए जाते हैं। इसके हेड होते हैं वो होते हैं प्रधान, सॉरी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं। काम क्या है मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, इसी के साथ ही इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, मतलब जैसे कि SEBI और RBI है इसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना हो, या फिर SEBI और IRDA हो, या फिर RBI और IRDA, मतलब इनके आपस के बीच में भी कोऑर्डिनेशन है वो करने का काम है वो किया जाता है, और पॉलिसी संबंधी भी सुझाव है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। इसी के साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जाता है। ये मैंने आपको मेन मेन जो मोटा करेक्ट है वो बता दिया है। वैसे भी रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी थी कि एक गैजेट ऑफिस नोटिफिकेशन है वो भी निकाला गया था, उसमें इंक्लूड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो मीटी मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी को भी FSDC के अंदर इंक्लूड है वो किया गया है डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। तो बस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खैर ये कंटेक्स्ट तो, बट हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में फैक्ट है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। देखो QS है ना, ये QS का मतलब है यहाँ पे क्वेकरली साइमंट्स, जो कि एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो जारी करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहला फैक्ट प्रीलिम्स का ये बन जाता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह जारी की जाती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, सॉरी ये जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा भी रैंकिंग जारी की गई किसकी, 2020 के लिए, और सबसे फर्स्ट रैंक पर रही है वो रही है USA की जो MIT यूनिवर्सिटी है। MIT का मतलब है यहाँ पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि USA की एक टॉप इंस्टीट्यूट है इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड की, वो वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पर रही है और इसने लगातार 8 सालों से अपने आप को फर्स्ट रैंक पर बना के रखा है। यानी USA की जो MIT यूनिवर्सिटी है उसने अपने आप को लगातार 8 सालों से नंबर 1 रैंकिंग पे रखा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर के आधार पर ये रैंकिंग है यूनिवर्सिटी जारी की जाती है। देखो रैंकिंग के काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एकेडमिक एंड एम्प्लॉयर रेपुटेशन, यानी कि एकेडमिक की रेपुटेशन कैसी है और वहाँ जो भी वहाँ पे वर्कर हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयर हैं उनकी रेपुटेशन कैसी है, इसी के साथ ही फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो कैसा है, फैकल्टी को क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, फैकल्टी की कैसी क्वालिटी है, कैसी उनकी क्वालिफिकेशन है, इसी के साथ ही फैकल्टी के जो इंटरनेशनल फैकल्टी हुई और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हुए उनको कैंपस में किस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, कैसा उनका रेशियो है, इन सारे पैरामीटर्स के आधार पे ये रैंकिंग है वो जारी की जाती है। अगर हम बात करें इंडिया की क्या हालत है, तो देखो इंडिया की है वो टोटल जो मतलब 1000 है, जैसे 1000 के अंदर इंडिया की 23 इंडियन इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, मतलब इस रैंकिंग में 1000 रैंकिंग तक 23 इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं। अगर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे को 162वीं रैंक मिली है, इसके बाद में IIT दिल्ली को 182वीं और इसी के साथ ही IISc बेंगलुरु है उसको 184वीं रैंक है वो मिली है।
तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है, यानी कि टॉप 100 में इंडिया का अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट है वो नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्ड एंड नंबर्स। देखो आपने इसे वेबसाइट देखी होगी जैसे गूगल डॉट कॉम या फिर आपने याहू डॉट कॉम, तो ये जो डोमेन नेम होते हैं ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट हैं, मॉनिटर हैं, वो किए जाते हैं, और उसी का नाम है ICANN, यानी कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। जो भी वेबसाइट्स के नेम डोमेन वगैरह होते हैं इनको रेगुलेट करने का काम है वो किया जाता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, काम क्या है, जो भी डोमेन नेम हुए जैसे कि याहू डॉट कॉम हो गया, जैसे इनसाइट डॉट कॉम हो गया, जीके टूडे डॉट कॉम हो गया, जिस तरीके से ये डोमेन नेम होते हैं फेसबुक वगैरह, ये सारे जो डोमेन नेम है वो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेटर हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किए जाते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी। इसके साथ ही जो होस्ट नेम हो गया, आईपी एड्रेस, मतलब इससे रिलेटेड ही सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं, और ये आपस में कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखती है। तो ये इसके मेन दो दो फैक्ट हैं, ये हमें पता होना चाहिए, बाकी कुछ खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कंपल्सरी रिटायरमेंट। देखो हमारे जो फंडामेंटल रूल है ना, इसके अंदर जो रूल 56 है ना, उसका लॉज जे है ना वो ये कहता है, क्लॉज जे है वो ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट है ना किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्चुअली कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकती है अगर उसने 50 साल की ईयर कंप्लीट कर ली हो, मतलब उसकी एज 50 साल हो गई हो तो उसको गवर्नमेंट कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकती है, इसके अगेंस्ट वो कोर्ट वगैरह कहीं नहीं जा सकता। लेकिन और लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको, पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट केवल यह पब्लिक इंटरेस्ट के नाते ही कर सकती है, मतलब अगर गवर्नमेंट जैसे रीजन देगी अगले पर्सन को रिटायर कर रही है तो उसको बोलेगी कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के, मतलब पब्लिक या जनता के हित में हम आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट है वो दे रहे हैं। और इसके लिए दो कंडीशन भी हैं, पहली कंडीशन तो ये है कि उसको तीन, जिस भी पर्सन को रिटायरमेंट देना है कंपलसरी रिटायरमेंट, उसको या तो 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा पहले कि हाँ भाई आपको अब रिटायर किया जाएगा 3 महीने बाद, या फिर उसको अगर सडनली रिटायर जा रहा है तो उसको 3 महीने की सैलरी है वो दी जाएगी, 3 महीने का मतलब पेमेंट है वो किया जाएगा, इसके बाद में उसको हटाया जा सकता है। और ये जो अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि भाई कंपलसरी रिटायरमेंट की जो अथॉरिटी किसके पास होती है, और पब्लिक इंटरेस्ट के हित में ही एक्चुअली कोई भी अथॉरिटी है, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो किसी भी पर्सन को हटा सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट को, किसके तहत, फंडामेंटल रूल है 56 क्लॉज J के तहत, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है GI Tag को लेके। देखो जो कोल्हापुरी चप्पल है जिनका नाम है नामा कोल्हापुरी चप्पल, सैंडल चप्पल आप बोल सकते हो, इनको अभी GI Tag है वो दिया गया था, अभी न्यूज़ में था। यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना है, वैसे तो कोल्हापुर है वो तो आता है महाराष्ट्र में, लेकिन जो ये चप्पल है ना ये महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों हिस्सों में प्रोड्यूस की जाती हैं, क्योंकि बॉर्डर वाला एरिया है, इसलिए कुछ कर्नाटक के भी डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं और कुछ महाराष्ट्र के भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो शामिल किए गए हैं, और उनको बेसिकली GI Tag दिया गया है। मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो महाराष्ट्र के हैं, 4 कर्नाटक के हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट हैं, जिलों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोल्हापुरी चप्पल का GI Tag है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों स्टेट में दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है यह GI Tag, दिया जाता है वैसे कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जो कि आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसी के अंदर GI Tag, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह से सारे काम है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। देखो GI Tag के मेन बेनिफिट क्या हो जाएंगे, या अभी यहाँ पे GI Tag मिलने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि ये जो चप्पल है, मतलब कोल्हापुरी चप्पल के नाम से, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के और 4 महाराष्ट्र के ही मतलब सेल कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट होगा, यहाँ पे केवल यही जो आर्टिसियंस हैं ये इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं, इस नाम से और कोई सेल नहीं कर सकता। इसी के साथ ही एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो लोकल आर्टिसंस हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ की चप्पलों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनको मतलब रोज़गार वगैरह भी मिल जाएगा, और इनकी कॉपी वगैरह अगर कोई करेगा तो उसको पनिशेबल या सज़ा मिल सकती है। ये जो चप्पल है मेनली लेदर से बनती हैं तो इसीलिए भी काफ़ी फेमस है। तो ये आपको 2-3 फैक्ट ध्यान रखने हैं कोल्हापुरी चप्पल के बारे में। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।